Okay, my dear students, just look at the screen. Here are some difficult words from this chapter, growing up. So the first word is living. Living means वो चीजें जो breathe कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, वो चीजें होती हैं living. Those things are living. Number two, need. Need means ज़रूरत. Number three, become means बनना. जैसे कि puppy grow करता है तो क्या बनता है? Dog. Puppy becomes dog when it grows. Okay. Then grow means बड़े होना, growth होना. Next, healthy, healthy means सेहतमंद, तंदुरुस्त, जिसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो उसे बोलते हैं हेल्दी. जो अपने सारे वर्क अच्छे से कर पाता है वो होता है हेल्दी. जिसके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे से फंक्शन करते हैं. और हेल्दी हम कैसे बन सकते हैं? गुड फूड लेके, अच्छी एक्सरसाइज करके एंड रेस्ट करके. देन passage, पैसेज मतलब बीतना, लाइक पैसेज ऑफ टाइम. नेक्स्ट वर्ड इज वेट, weight. वेट, वेट मीन्स भार. आपने अपना वेट नोट डाउन करना है सबने कि आपका वेट कितना है. बॉर्न, born, born means जन्म लेना. नेक्स्ट exercise, exercise means कसरत करना. कुछ भी, जैसे आप वॉक करते हैं या अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करते हैं, पीटी करते हैं, दैट्स ऑल इन एक्सरसाइज. adult, adult means जब एक चाइल्ड ग्रो करता है, जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है तब वो बनता है एडल्ट. सबसे पहले बेबी, बेबी के बाद चाइल्ड, एंड देन कम्स द ग्रोथ स्टेज, उसको बोलते हैं एडल्ट. देन height, हाइट, हाइट मीन्स आपकी ऊंचाई कितनी, आप कितने लंबे हो, दैट इज हाइट. नेक्स्ट इज proper, प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स अच्छी तरह से, ठीक है, ओके okay? उसके बाद देखिए, उसके बाद आपने क्या करना है. सेकेंड आपकी एक्टिविटी है पेस्ट योर फोटोग्राफ्स. आपने 3 फोटोग्राफ्स पेस्ट करनी है अपनी नोटबुक में. पहले कल मैंने आपको बुक में एक्टिविटी करने के लिए बोला था ना कि आपने 1 पिक्चर करनी है जब आप 3 इयर्स ओल्ड थे और 1 पिक्चर जब आप जो जितने बड़े अब आप हैं. तो यहाँ पे नोटबुक में जब आपने ये वर्कशीट करनी है तो आपने 3 फोटोग्राफ्स पेस्ट करनी है. 1 व्हेन यू वर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे, जब आपका जन्म हुआ था तब की आपकी फोटो अगर आपके पास है तो. देन व्हेन यू वर 3 इयर्स ओल्ड, जब आपकी नर्सरी में एडमिशन हुई थी उसके बाद आप 3 इयर्स के थे ना, तब की फोटोग्राफ. एंड देन योर लेटेस्ट फोटोग्राफ. लेटेस्ट मीन्स जितने आप अब हो. डोंट वरी, ये वर्कशीट में आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे, आप आराम से इसको रीड करके करना. मैं आपको बस ओनली बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि इसमें आपको करना क्या है, ठीक है. नेक्स्ट, डू द गिवन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें ग्रोथ देखनी है कि एक प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, एक प्लांट कैसे बनता है. उसके लिए हमने एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको नोट डाउन करनी है, स्टडी करनी है ग्रोथ ऑफ सैपलिंग फ्रॉम चिकपीस. चिकपीस क्या होते हैं? वाइट चने. वाइट चने खाते हैं आप सब घर में? सफ़ेद चने, वाइट चने आप सबके घर में होते हैं. उसके साथ आपने ये एक्टिविटी करनी है. वो एक्टिविटी कैसे करनी है उसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे.
मैम वीडियो की साउंड आ रही है श्री मैम? नो मैम, नो मैम, देयर इज नो साउंड. मैम आई थिंक शेयर करने से पहले कोई ऑप्शन होती है ना साउंड के लिए. जी तो मैम जस्ट अ मिनट. यस बेटे ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपने. इसमें साउंड नहीं है, ऐसे ही आपको मैम साथ साथ बोल के बताएंगे कि इस वीडियो में क्या है. ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सीड जर्मिनेशन. आपने वाइट चने अपने मम्मा से लेने हैं और उसको रात को भिगो देना है वाटर में. एक ग्लास में या एक बाउल में चने लेने हैं, उसमें आपने पानी डाल के रख देना है. ठीक है, देन उसके बाद इन द मॉर्निंग जब आप सुबह उठेंगे, Nitu ma'am, are you there? You're not audible. Nitu ma'am, please unmute yourself. Nitu ma'am, you are muted. Yes ma'am. Yes dear students, फिर से देखेंगे आपने एक्टिविटी में क्या करना है. ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने वाइट चने लेने हैं, एक बाउल में वाटर डाल के उसको भिगो देना है. ठीक है, डिप करके रख देना है पूरी रात. और जब मॉर्निंग में आपने उनको निकालना है, फिर कॉटन के छोटे छोटे पीसेस लेके उसमें आपने वो जो चने आपके भीग गए हैं पूरी रात, डिप रहे थे, उन्हें रखना है उस कॉटन के अंदर. एंड देन आपने एक ग्लास में उन कॉटन बॉल्स को रख देना है. आपको मैम ये वर्कशीट भेजेंगे, उसमें आप फिर से दोबारा से ये वीडियो देख लेना. फिर अगेन देन ऐड वाटर, थोड़ा सा वाटर डालना है वहाँ पे आपने. ये देखिए, पुट सम सीड अलोंग द साइड ऑफ ग्लास सो वी कैन इजीली सी. देखो पहले कॉटन रखनी है, फिर उसके अंदर आपने ये सीड्स डाल देने हैं, ये चने जो आपने रात को भिगोए थे वो डाल देने हैं, थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, फिर से उसको कॉटन के साथ आपने कवर कर देना है. अगेन कॉटन के साथ आपने कवर कर देना है, फिर थोड़ा सा वाटर और डालना है. ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं डालना, बिल्कुल उसको वेट करना है, इतना ही वाटर डालना है. और वो जो वाटर होगा वो आपको आपकी ये जो कॉटन है वो एब्जॉर्ब कर लेगी. और इसको सनलाइट में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हो अपने घर में. 24 आवर्स के बाद आप देखोगे कि उसमें से जर्मिनेशन होनी स्टार्ट हो गई है. उसमें से ऐसे देख सकते हो आप इस वीडियो में कि कैसे उसके जो सीडलिंग ग्रो करने स्टार्ट हो गए हैं. ओके, ये एक्टिविटी सब ने करनी है. एंड आपने ये एक्टिविटी करके इसकी वीडियो बनानी है, एक शॉर्ट वीडियो.
एंड देन आपने ये मैम को सेंड करनी है शॉर्ट वीडियो, और आप फोटोग्राफ भी सेंड कर सकते हैं अपनी कि आपने ऐसे उसको डिप किया, देन आपकी जब जर्मिनेशन हो जाएगी। ओके आप पहले एक्टिविटी करते हुए अपनी फोटो क्लिक कर लेना, फिर जब आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, आपके सीडलिंग्स डेवलप हो जाएंगे, तब आपने उसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लेनी है। ओके विल यू डू इट, शो मी योर थम्स अप, किस किस को समझ आया है कि कैसे करना है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया नो प्रॉब्लम, आपने घबराना नहीं है, आपको मैम ये वर्कशीट भेजेंगे और फिर आपने दोबारा से इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये एक्टिविटी करनी है। ओके बेटे, नाउ एनी डाउट इन दिस चैप्टर राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, एनीवन, किसी को लगता है कि आपको इस चैप्टर में कोई चीज समझ नहीं आई हो, सबको सब कुछ समझ आ गया, वेरी गुड। तो चलिए फिर से रीडिंग स्टार्ट करें जैसे हम कल कर रहे थे, करें रीडिंग स्टार्ट। अगर आप जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे बेटे, उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। कल मैम ने नोटिस किया कि आपसे रीडिंग नहीं हो रही, क्योंकि आपको बिल्कुल हैबिट नहीं रही है रीडिंग करने की। ओके श्रेय मैम, आप वन बाय वन अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने आप अपनी मर्जी से वन बाय वन किसी को भी अनम्यूट करने की ऑप्शन देते रहना, ताकि वो रीडिंग कर लें। Yes. जिसका मैम ने बच्चे ने रीडिंग स्टार्ट करनी है। आरव गुप्ता, यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। आरव गुप्ता, ओपन योर। यस मैम। 11 ए नंबर 11 चलो करो। Have you ever seen a ever, small baby? Ever, how seen does a small baby? He? Yes. She look like you were also a small baby when you were born. All living things glow. Stop. आपने देखा दो में सारा रीड कर लिया, आपने कुछ नहीं देखा कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कहाँ पे कुछ है, अच्छे से रीड करते हैं बेटे। Have you ever seen a small baby? Have you ever seen a small baby? How does he or she look like? Yes. Hello ma'am. हाँ जी बेटे, don't unmute yourself. Ananya, will you start now? Ananya. Shree ma'am, aapki awaaz badi slow aa rahi hai. Is it fine? Haan ji. Ananya. Yes, Ananya. Yes, ma'am. Haan ji, start reading. You ever seen a small baby? How does he or she look like? Yes. There also a small baby when you were हाँ जी, जब आपका जन्म हुआ था तो आप भी छोटे से बेबी थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट। थैंक यू मैम। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट आराध्या मैम। यस All living things, यहाँ से रीड करिए, all living things.
All. मैडम बाल नीचे देख. All living things grow when we grow our weight. Weight. Weight and height. Height. Yes. Change. Changes. A baby grows with. Stop बेटे, stop, stop बस. भी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा हाइट एंड वेट चेंज होता है, बढ़ता है. ओके स्टॉप. नेक्स्ट. वेरी गुड आराध्या. दिव्यम यस दिव्यम. चेंजिंग अ बेबी ग्रोज विद time to be become a child. हांजी, जब child baby grow करता है time के साथ तो वो क्या बनता है? child बनता है. जैसे आप पहले छोटे baby थे, जब आप थोड़े बड़े हुए, अपने काम अपने आप करते हो, अपने आप खाना खाते हो, walk करते हो, talk करते हो, तो आप क्या हैं? एक child हैं. next, next line. become a child. A child grows to become an adult, a man or woman. Yes. जब एक child grow करता है, जब आप 18 years के हो जाओगे, तो आप भी क्या हो जाओगे? Adult हो जाओगे. जो छोटी girls हैं, वो क्या बनेंगी? Woman. और जो boys हैं, वो बनेंगे man. Next. देखिए कैसे ग्रो करता है. सबसे पहले बेबी, देन चाइल्ड, देन अडल्ट, देन ओल्ड. नेक्स्ट. यस मनीषा, कौन बोलने लगा है? यस श्री मैम, किसको ऑप्शन दिया आपने? हाँ जी रीड करिए. गर्ल बोलो बेटे. अ गर्ल ग्रोस. गुरसिमर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, लाउडली बोलो. आर यू स्पीकिंग? नो ओके ओके इफ यू डोंट वांट टू स्पीक. क्या हो गया? क्यों नहीं आपको रीड नहीं करना है? गुरसिमर आपको रीडिंग नहीं करनी? कुछ तो बोलो. यस और नो? ठीक है, अभी आप कल आपकी टर्न आएगी, आप प्रैक्टिस करके रखना. चलिए नेक्स्ट. प्रतीक्षा. प्रतीक्षा. यस मैम. Yes, read. Yes, ma'am. I will speak. A girl grows to become a human. Yes. A boy grows to become a man. Very good. With आपको बताया था. With passage of time. With passage of time, an adult become old like our grandparents or grandmother. Grandfather or grandmother. जैसे जैसे time pass होता है, जो baby थे वो child बन जाते हैं, child adult बन जाते हैं, और adult old बन जाते हैं, जैसे कि हम सबके grandparents. Okay? Next. पलक. Yes.
नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, पेज नंबर 12. Our body needs good food, exercise and rest to grow well. Yes, हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? गुड फूड, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट. आगे rest. We should always eat healthy food. हमें ऑलवेज क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. आगे वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट आफ्टर वर्क. हाँ जी, और वर्क करने के बाद हमें प्रॉपर रेस्ट करना है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाए. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट इज सुगंभका. मैम क्लास को बंद करूंगी. सुगंभका रीड करिए. लाइक ह्यूमन बीइंग्स. लाइक ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो ग्रो. यस, हम अपने आसपास देखते हैं ना, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे आसपास एनिमल्स एंड प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं. आगे रीड करिए. अ पपी इनटू अ डॉग. यस, पपी जब ग्रो करता है तो क्या बनता है? डॉग. नेक्स्ट डॉग. मैम अ किटन ग्रोस. वेट, अ किटन ग्रोस टू बिकम कैट. मैम मे आई स्पीक? जब ग्रो करती है तो बनती है कैट. ओके, नेक्स्ट. अभी ज्योत कुमार, मे आई वालों की टर्न नहीं आई. आपने गुड बच्चे बनके सबने म्यूट पे रहना है, जब मैम जिसको बोलेंगे उससे ही बोलना है. मे आई नहीं करना है. ओके ओके, अभी ज्योत आगे बोलो. अ लिटिल सीड. अ लिटिल सीड ग्रोस एंड बिकम अ बिग ट्री. हाँ जी, एक छोटा सा सीड जब ग्रो होता है तो सबसे पहले सीडलिंग, देन स्मॉल प्लांट, देन बिग प्लांट. ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली. ये सारी चेंजेस स्लोली स्लोली होती हैं. ओके बेटे, आज हमने हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. मैम ने आपको इसकी बैक एक्सरसाइज भी करवा दी, रीडिंग भी प्रॉपरली हो गई. क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने आपको वर्कशीट भेजी, वर्कशीट 1 एंड देन आज की वर्कशीट 2. ये सारा वर्क आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है. आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, आप मैम को मैसेज कर सकते हैं ताकि मैम आपके डाउट्स क्लियर कर दे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे. थैंक यू श्री मैम, यू मे एंड द मीटिंग. गुड बाय.